तो दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए आज से आम आदमी पार्टी अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर हैं। लगभग कहा जा रहा 1400 किलोमीटर की सड़क का वो निरीक्षण करेंगे। सीएम से लेकर सभी मंत्रियों को टास्क दिया गया है अलग अलग कि वो अपने एरिया में जाकर गड्ढों का निरीक्षण करें। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सुबह 6 बजे से इस अभियान की शुरुआत हुई और 1400 किलोमीटर दिल्ली की सड़क जिसका निरीक्षण करना है। इसके बाद कहा जा रहा है कि दीपावली से पहले इन गड्ढों की मरम्मत होनी और दिल्ली को गड्ढा मुक्त करना है। तो दिल्ली के ओखला में देखिए आतिशी जो उनका एरिया है वहां आतिशी हैं। तो मनीष सिसोदिया, आप नेता सौरभ भारद्वाज जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तमाम अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। पटपड़गंज दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। इसके अलावा आतिशी दिल्ली की जो सीएम है वो भी पहुंची हुई है। इस मामले को लेकर आतिशी और मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे NSIC मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर BSES की लाइन डली। BSES की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, केजरीवाल जी के निर्देश पर मैंने और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं। कहीं कुछ काम हो रहा था, कोई पाइपलाइन डलनी थी तो 7-8 महीने से वो खुदी पड़ी है। कहीं गड्ढे हो गए हैं तो वो भरे नहीं गए हैं, पुरानी हो गई है सड़क। तो ये अब इसको ठीक किया जाएगा, इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में BJP वालों ने सड़कों की हालत ख़राब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए, लोगों को परेशान करने के लिए काम रुके। लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। तो आम आदमी पार्टी के निरीक्षण अभियान की तस्वीरें आपने देखी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुर्सी के खेल की, क्योंकि राजनीति में कहावत तो ये है कि जब बात कुर्सी की हो तो दो सगे भाई भी आमने सामने एक दूसरे के प्रति जो है वो खड़े हो जाते हैं और खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। दरअसल हरियाणा कांग्रेस से भी इस वक्त कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। खूब हल्ला मचा है, अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कुर्सी के लिए BJP और कांग्रेस ने पूरी सियासी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस में तो चेयर रेस शुरू हो चुकी है। वो कहावत है ना, गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए, वैसे ही जीत मिली नहीं और नेताजी पहले आ गए। हुड्डा फैमिली में भूपेंद्र हो या दीपेंद्र, शैलजा हो या सुरजेवाला, हर कोई लॉटरी लगने की फिराक में बैठा है। एक अनार और 100 बीमार, कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी है। खर्ची पर्ची के सियासी शोर में जीत हार तय नहीं है, लेकिन टक्कर जरूर है। कांग्रेस में कुर्सी के इसी झगड़े पर शाह ने मजेदार चुटकुली और एक एक नाम लेकर कांग्रेस की सिर फुटोवल की पूरी पोल खोल दी। हुड्डा साहब कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब उनके युवराज भी तैयार हुए, कहते पिताजी आपकी उम्र हो गई, मुझे बनने दो। कुमारी शैलजा तैयार हो गई है और बहन जी के कैंप से, प्रियंका दीदी के कैंप से वो रणदीप सुरजेवाल भी तैयार हो गए। भैया काहे को झगड़ रहे हो, ना आपका बहुमत आना है ना आपका मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का।
बीजेपी रिपीट या हरियाणा में कांग्रेस हिट, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन शाह का तंज यूं ही नहीं है। कांग्रेस में सीएम पर आपसी कलह सब जानते हैं। शैलजा बनाम हुड्डा जग जाहिर है, लेकिन कांग्रेस माहौल ऐसा बना रही है कि उसकी सरकार तो बस बनने ही वाली है। तो सुनिए इस दावे पर बीजेपी क्या कहती है। कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल हुआ था, वही सेम हालात हरियाणा के अंदर कांग्रेस का होने वाला है। हरियाणा में एमपी छत्तीसगढ़ रिपीट होगा या कुछ अलग होगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन किसान, जवान, पहलवान और अग्निवीर पर लड़ाई कांटे की है। तभी तो शाह ने राहुल के उस दावे को झूठा बता दिया जिसमें अग्निपथ स्कीम पर सवाल उठाए गए थे। नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है। ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। हरियाणा के सियासी खेत में किसकी मशीन चलेगी, कौन वोटों की फसल काट पाएगा और कौन पीछे रह जाएगा, ये वक्त तय करने वाला है। मगर कांग्रेस में कुर्सी की खींचतान क्या वोटर्स को उससे दूर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात सपा के उन बयान बीरो नेताओं की जिनके बयान से पार्टी खुद मुसीबत में पड़ गई है। और इसी में ताजा मामला अफजल अंसारी का सामने आया। उन्होंने कुंभ को लेकर संतों पर जो अनर्गल बयान दिया वो पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो। ये माननीय सांसद हैं सपा के, और इनकी एक और पहचान है मुख्तार अंसारी के भाई। अब माफिया के भाई से और क्या उम्मीद करेंगे आप। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो। सांसद जी का गांजे पर ज्ञान हाई है, कह रहे हैं लाइसेंस दे दो, गांजा वैध कर दो, मतलब खुला खेल फरुखाबादी। और उसके पीछे भी दाव संतों का, मतलब अपना काम बनता धड़ल्ले से गांजा बिकता। लेकिन योगी राज में ये कहां होने वाला है। मगर कुंभ, संत और सनातन को नशाखोरी के खेल में खींचने वाले अखिलेश के सांसद की मुश्किलें अब जरूर बढ़ गई हैं। केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ने लगी है। सरकार, बीजेपी से लेकर संत समाज भी आक्रोशित हो उठा है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे दुर्दांत समाजद्रोही, दुर्दांत समाज में जो द्वेष फैलाने वाले खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुआ, लेकिन तत्काल इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक राजनीतिक व्यक्ति होकर के जिस प्रकार से हिंदू सनातन और मठ मंदिर और कुंभ पे टिप्पणी आपने किया है, अत्यंत निंदनीय है। आपको तत्काल माफी मांगना चाहिए। संतों के गुस्से की वजह है सपा सांसद का वो बयान जिसमें उन्होंने प्रयागराज कुंभ में संतों को नशेड़ी बताने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद गाजीपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन बोला क्या था अब वो भी आप पूरा सुन लीजिए। करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी।